साचे दरबार की जय। माए मेरे सच्ची है जो तवाली माता तेरी सदा ही जय। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों वाली माता तेरी जय जयकार, जय जयकार। जयकार वाले नु मिठिया मुरादा। बोलो साचे दरबार की जय। मैं वी कृष्णा क्या सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है। आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ आपके घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए, दरिद्रता दूर करने के लिए और घर में माता लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए हम प्रतिदिन शाम को कपूर का ऐसा क्या अद्भुत उपाय करें कि हमारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाए, सारे कष्टों का निवारण हो जाए और सारी परेशानियां हमसे दूर हो जाए। कहा जाता है कपूर जलाने की परंपरा प्राचीन समय ही से ही है। शास्त्रों की अगर बात करूं तो देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। सुबह सायंकाल में ज्योतिष में कपूर के अद्भुत प्रयोग बताए गए हैं। खास तौर पर जब हम नवरात्रों में माता को देखें, माता को कपूर की सुगंध भी बहुत प्रिय है। नवरात्रों में अगर हम इस कपूर के उपाय करते हैं तो ये और भी ज्यादा विशेष फलदायी हो जाते हैं और हमें अचानक धन की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन से कष्ट दूर होते हैं। अब देखिए, बिल्कुल सूक्ष्म सी सामग्री, एक मैंने ये मिट्टी का बर्तन लिया है। आप पहले दिन ये बर्तन कोरा ले लीजिए, गंगा जल से इसे पवित्र कर लीजिए जैसे मैंने किया है। उसके पश्चात आप हर दिन इसी बर्तन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो ऐश बचेगी उसको संभाल के निकाल कर किसी बर्तन में रखें और पुनः इसे यूज करें, और नहीं निकालें तो भी इसे यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। आप इसकी जगह कोई बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत आसान चीजें बता रही हूँ, आपको क्या सामग्री चाहिए। देखिए, ये है ना गूगल। कहा जाता है ये कष्टों को दूर करने का काम करती है। ये गूगल है, ये कष्टों को दूर करने का काम करती है, नेगेटिविटी दूर करने का काम करती है। हाय नजर, बद्दुआ, अलाय बलाय, किया कराया, तंत्र मंत्र सब दूर करती है ये गूगल है, ठीक है। ये घी है जिसमें कि हम अपनी सामग्री को थोड़ा थोड़ा डीप करेंगे, ठीक है। ये है भीमसेनी कपूर, आप देख रहे हैं कितना ट्रांसपेरेंट है, एकदम क्रिस्टल जैसा। कुछ आजकल बिट्टी जो बाटी होती है ना, छोटी छोटी गोटी, उनका भी कपूर आता है टिक्की वाला, लेकिन आप अगर भीमसेनी कपूर ले लेंगे तो मैं आपको क्या ही बोलूँ। बाकी वो अगर नहीं मिलता तो ले ले, पर पूजा की दुकान पर दोनों ऑप्शन होते हैं। बस ये थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन मिल जाता है। ये है जो हमने लिए हैं, इसकी भी हम आहुति देंगे। और ये है गाय के गोबर का कंडा, अगर ये ना मिले तो आप धूप बत्ती ले लीजिएगा और धूप बत्ती को थोड़ा मैश करके ऐसा बना के रख लीजिएगा। ये हरी इलायची, इसकी आहुति देंगे। देखिए, ये है मोटा जायफल, ये वैसे ना इलायची, ये सॉरी इसके सुपारी जैसा दिखता है लेकिन ये जायफल है। आप यूज करते होंगे किचन में तो जरूर। ये सुपारी है, ये लौंग है और ये एक बताशा है। ये सारी चीजें आपसे मैंने मंगाई थी और आप अपने पूजा में प्रतिदिन यूज करोगे, माता रानी की जोत जब चलाओगे। तो सिर्फ घर की ही चीजें हैं, मंदिर में जो आप लाए हैं उन्हीं चीजों के अद्भुत प्रयोग मैं आपको हमेशा से बताती आई हूँ। तो हमें करना क्या, अब आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। ये मैंने गाय का, ये मैंने गंगा जल से पवित्र किया हुआ है तो इसके ऊपर मैंने गाय का कंडा रख दिया, ये लो, ठीक है। कैसे भी रख सकते हैं, मतलब इसको और भी तोड़ सकती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि हमें इसे साबुत ही रखना है या छोटा ही रखना है, बड़ा रखना है, आप जैसे मर्जी इसको रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा घी डाला। ये प्रतिदिन आपको शाम को करना है। वैसे तो कपूर किसी भी समय जला सकते हैं लेकिन जो अद्भुत उपाय है ना, ये मैंने शाम के लिए आपको बताया, ये केवल हर दिन आपको शाम को ही करना है। सबसे पहले आपने गाय के गोबर का ये कंडा रखा, इसमें हमने थोड़ा सा घी डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसके ऊपर कपूर डालेंगे, ये भीमसेनी कपूर है, इसको हम अच्छे से चूर लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसको चूर लिया, कपूर को बीच बीच में भी और डाला जा सकता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अग्नि प्रज्वलित करेंगे। कोई भी आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे से आता हो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। एक लौंग को घी में भिगोएंगे और आप उस मंत्र का जाप करेंगे, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। सबसे पहले हमने लौंग की आहुति दी,
उसके बाद हमने एक सुपारी ली और हमने घी में लेके सुपारी की आहुति दी। उसके बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा सा कपूर डालते जाएंगे जिससे कि हमारी जो अग्नि है ये जलती रहे निरंतर। फिर हमने एक चुटकी जौ, सुपारी के बाद एक चुटकी जौ, देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक चुटकी जौ की आहुति हमने देनी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हमें जायफल की आहुति देनी है। अच्छे से इसको घी में हम डिप कर लेते हैं क्योंकि घी का प्रयोग माता की हवन में किया ही जाता है और इसको जलने में थोड़ा समय लगेगा जायफल को, और बाद में बता दूंगी कि इसमें जो बच भी जाएगी सामग्री तो उसको आपको क्या करना है। फिर हमने लेना है हरी इलायची, एक हरी इलायची। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक चुटकी में हमें गूगल ले लेनी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह के मंत्रों का जाप करते हुए हमने सारी की सारी अपनी सामग्री, अब देखिए इसमें आवाज आई है कहते हैं, जब इस तरह से आवाज आती है तो माता रानी को चीजें स्वीकार हो जाती हैं। अंत में हमने भोग लगाना है, ठीक है, एक बताशे का भोग लगाना है माँ माई को। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब हम ये सब ज्योति प्रज्वलित कर लेंगे, ये हमें घर के मंदिर में माता रानी के सामने शाम को करनी है। उसके पश्चात जब हम शाम को ये कर लेंगे उसके बाद हमने इसको पूरे घर में घुमाना है। एक घंटी ले लेनी है, और क्योंकि ये गर्म हो जाता है, वैसे गर्म ये नहीं हुआ है, मिट्टी का बर्तन है, लेकिन फिर भी सेफ साइड के लिए आप इसे किसी बर्तन में रख लेंगे। इस तरह से धुनी पूरे घर में घंटी की आवाज के साथ आप ऐसे घंटी बजा बजा के पूरे घर में इसे घुमाएंगे। पूरे घर में घुमाने के बाद लाकर वापस इसे आप अपने घर के मंदिर में रख देंगे। प्रतिदिन आपको इसी प्रकार कपूर जलाना है, जैसे मैंने बताया। जो चीजें मैंने बताई है सारी चीजें मैंने आपको दिखाई भी है, आवाज से भी बताई है, फिर से बता दे रही हूँ। जो लिए एक चुटकी, एक इलायची ली है, नो लौंग ली है, सुपारी ली है, जायफल लिया है और कपूर लिया है और गूगल लिया है, बस इतना ही सामान लेना, एक बताशा भोग के लिए लिया है। इसको हमने घर के मंदिर में ही मंत्र उच्चारण के साथ जलाना है। उसके बाद ये बहुत देर तक जलता है। इसको पूरे घर में घुमाना है, पूरे घर में इस भाव से घुमाना है कि मेरे घर से दुख दरिद्रता परेशानी कष्ट अब जलकर राख हो रहे हैं और मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो रहा है। उसके पश्चात ही घर के मंदिर में रख देंगे। जब आपका ये सब शांत हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा, ठीक है, जब ये अपने आप सब शांत हो जाएगा, इसमें हो सकता है कुछ जायफल, हालांकि खूब अच्छे से जल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा जायफल खूब अच्छे से जल रहा है, ठीक है, फिर भी अगर इसमें से कुछ बच जाता है तो वो हमारा कोई आपको परेशानी नहीं। इसमें से सारा सामान निकालकर एक बर्तन में इकट्ठे करते रहना, हर दिन इसी में जलाना, फिर जो बचेगा उसे इकट्ठा कर लेना। जब ये सारा 9 दिन तक इकट्ठा हो जाएगा, 10वें वाले दिन प्रातःकाल जब पारण होगा तो वो कुल सामग्री जो इकट्ठी है वो कुल सामग्री फिर इसी बर्तन में इकट्ठी करके जो बची हुई है उसमें थोड़ा सा कपूर डालकर आप उसे जला देना, फिर जो ऐश बचेगी वो उसे प्लांट में डाल देना। ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया, समझती हूँ आपको ये सारा प्रोसीजर समझ में भी आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। माता रानी आपकी मदद करें।